कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण के बीच आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से पटना आयुक्त संजय अग्रवाल वैक्सीनेशन का हिस्सा बने और राजधानी गार्डिनर अस्पताल में टीकाकरण का जायजा लिया और खुद भी टीका लिया। वहीं आयुक्त ने यह भी बताया कि राजधानी में कई जगहों पर टीका के केंद्र बनाए गए हैं। आयुक्त संजय अग्रवाल ने यह भी कहा कि नगर निगम कर्मियों और पुलिस के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, सभी अंचल में अभियान चलेंगे और उन्हें प्रमुखता से टीका दिया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर हमारा जो है NGR, उसका निरीक्षण भी किया गया और आज मैंने कोविड वैक्सीन भी ली है। कोविड वैक्सीन अभी हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल वर्कर्स और जो बाकी लोग हैं उनके लिए लगवा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग आ भी रहे हैं। ये अभी अभियान चलेगा और उसके बाद जो अगला ग्रुप है जिसको अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तय करेगी, उसका टीकाकरण होगा। अभी जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं वो टीकाकृत रहे, खास करके हमारे मेडिकल कर्मी, पुलिस कर्मी, जो फील्ड में ऑफिशियल्स काम करते हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन सब के लिए अभियान चल रहा है और हम लोग का ये कोशिश है कि उन सब को टीकाकरण हो जाए ताकि वो लोग सुरक्षित और बढ़िया तरीके से काम कर सके। आज मैंने भी टीका लिया है और इस जो मुहिम है, इस अभियान है, उसमें मैं हिस्सेदार बना, मुझे खुशी हुई। मैं पूरी हेल्थ टीम को भी धन्यवाद देता हूँ जो लगातार पिछले एक साल से, अब लगभग एक साल होने को है, एक साल से हम लोग कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये वैक्सीनेशन अभियान इस जंग का एक सुखद परिणाम होगा और हम सब कोविड से जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है। कितना टारगेट के प्रत्येक केंद्र पर लगभग 200 टीके लगाए जा रहे हैं। कल भी यहाँ लगभग 200 टीके लगे, आज भी टीके लग रहे हैं और ये वैक्सीनेशन टारगेट बेस्ड नहीं है। और भी लोग आएंगे तो हम लोग यहाँ मैन पावर को बढ़ाएंगे। अभी नगर निगम कर्मी और पुलिस के कर्मियों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग नगर निगमों के जो अंचल कार्यालय हैं उसमें भी इस अभियान को लेकर के जाएंगे, क्योंकि नगर निगम में बहुत बड़ी संख्या में कर्मी काम करते हैं और घर घर जाते हैं और कई प्रकार के विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं, इसलिए उसको भी इस अभियान में शामिल किया गया है कोरोना वॉरियर्स के रूप में। और उनको भी टीका देने के लिए विशेष अभियान आज सभी अंचलों में चलाया जा रहा है। आने वाले समय में पुलिस लाइन, होमगार्ड कार्यालय और सभी जगह जो जो लोग बच गए हैं उनको भी टीकाकृत किया जाएगा इस महीने के आखिर तक। कितने केंद्र अभी तक चल रहे हैं? देखिए, जो भी पटना में प्राधिकृत केंद्र है, चाहे वो IGMS हो, चाहे AIIMS हो, चाहे NGR हो, और 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, उन सब पर लगातार टीकाकरण का काम चल रहा है। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल एरिया, नारायणपुर अनंत रोड, मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड, मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज, नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।